ओम शांति 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 हरि ओम। मैं प्रणाम स्वामी जी, समझे शुरू करूं? हाँ भाई, आभा हाँ आभा हाँ प्रणाम जी स्वामी जी। हाँ करेंगे। स्वामी जी, हाँ ठीक है, समझे। ध्यान, आज का विषय है ध्यान निष्ठ जीवन की अनिवार्य शर्तें। हमारा प्रस्तुत कार्य मैं सर्वप्रथम, बताता हूँ, एक मिनट छोड़ो। ये इस किताब का हिंदी अनुवाद भी है, और ये हिंदी लेख जो है ये इसी की समरी आभा चौरसिया करेंगे। ठीक है, हिंदी में करेंगे। हाँ, हमारा प्रस्तुत कार्य सर्वप्रथम हमारे लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक आदर्श स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष हो। सांख्य नामक पुरातन दर्शन प्रणाली के अनुसार केवल दो मूल तत्व हैं, पुरुष अथवा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा तथा प्रकृति। वेदांत के अनुसार मानव का चैतन्य तत्व आत्मा है तथा सभी आत्माएं अनंत सर्वव्यापी परमात्मा या ब्रह्म के अंश है। अतः वेदांत के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अर्थ भगवत साक्षात्कार है। श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों के अनुसार भी व्यक्ति जितना ही अपनी उच्चतर आत्मा के निकट जाता है उतना ही वह परमात्मा का तथा उसके सभी में अभिव्यक्ति का अनुभव करता है, और तब व्यक्ति परमात्मा की सभी में सेवा करना चाहता है। लेकिन इसके पहले व्यक्ति को प्रार्थना और उपासना की सहायता से आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा अपने आत्मा तथा सर्व अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप की स्पष्ट धारणा प्राप्त करनी चाहिए। अब जब यह लक्ष्य है तो प्रश्न उठता है कि हम कौन सा मार्ग चुने। इस विषय में उन्होंने हमारे सामने मोक्ष सेवा का द्विविध आदर्श प्रस्तुत किया, कर्म और उपासना दोनों धीरे साथ। करो, तुम बहुत फास्ट पढ़ रही हो, अच्छा बहुत ठीक, फास्ट धीरे कर रही हो। ठीक है स्वामी जी। कर्म और उपासना दोनों साथ साथ किया जाना चाहिए। कर्म को सर्व अंतर्यामी परमात्मा की सेवा के भाव से ही किया जाना चाहिए, और हमें कर्म को कर्तव्य भाव से करना चाहिए। तभी कर्म फलों को सर्व कर्माध्यक्ष परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। और ऐसा भी समय आ सकता है जब हम परमात्म सत्ता को हमारे अंदर बाहर परिव्याप्त अनुभव करने लगे। तब हम परमात्म शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति जगत कल्याण हेतु कार्यरत रहती है, उसके प्रवाह के माध्यम बन जाता है। आध्यात्मिक पिपासा जगाओ। यदि हमें आध्यात्मिक शुद्धा होगी तो हम आध्यात्मिक आहार लेना चाहेंगे। हम अध्ययन द्वारा मन को आहार प्रदान करते हैं, विचार शुभ होना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा को भी उपासना जप ध्यान के द्वारा आहार देना चाहिए। इस विषय में स्वामी ब्रह्मानंद जी के कुछ उपदेश हैं। प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत जप ध्यान करना, किसी भी दिन नागा मत करना। जप ध्यान नीरस लगने पर भी औषधि सेवन के समान जबरदस्ती मन को इष्ट चिंतन में निमग्न रखना चाहिए, तब कहीं धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा। यदि भगवान लाभ करना चाहते हो तो धैर्य धारण करके साधना करते जाओ, समय आने पर सब होगा। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर सिद्ध पुरुष शांति और आनंद की उपलब्धि करता है तथा इस शांति और आनंद का अपने सह मानवों में वितरण करता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इस आदर्श को तथा इसकी प्राप्ति के लिए अनुकरणीय साधन पद्धति को भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक अवस्थाएं, जैसा कि मैंने कहा, शांत बैठने का प्रयत्न करने पर मन में विक्षेप पैदा होते हैं। ध्यान में बैठते ही मन चंचल हो उठता है, मन में असंख्य अनियंत्रित विचार उठने लगते हैं तथा जप और ध्यान एक महान संघर्ष सम बन जाते हैं। लेकिन इस संघर्ष से गुजरना ही होगा। भगवत गीता में यही बात अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन उचित उपायों से, निरंतर ध्यान के अभ्यास से और वैराग्य से इस विक्षिप्त मन को नियंत्रित किया जा सकता है। परिस्थितियों की शिकायत मत करो। जिस तरह हम अत्यधिक कष्टप्रद परिस्थितियों के बीच भी सोने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह ध्यान के अभ्यास का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता के आत्म संयम योग नामक अध्याय में यही बात करते हैं। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म प्रचेष्टा और युक्त जागरण निद्रा वाले व्यक्ति के लिए योगासन एवं दुख नाशक होता है। अतियों का त्याग कर मध्यम मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को साधन पथ पर अग्रसर होने की शक्ति एवं उत्साह प्राप्त होता है। पहले शरीर को साधो। शरीर माध्यम खलु
धर्म धर्म साधनम अर्थात शरीर धर्म का एक साधन है, उसका ख्याल रखना पहला कर्तव्य है। पौष्टिक आहार के साथ ही देह के सभी अंगों का विशेषकर पेट का कुछ व्यायाम करना चाहिए। यदि देह स्वस्थ न हो तो तुम उसे कभी नहीं भूल सकते। नैतिक जीवन यम और नियम में साधक जब कुछ मात्रा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक योगाचार्य पतंजलि आसन के बारे में निर्देश नहीं देना चाहते हैं। साधक को अहिंसक आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरों पर असहाय की तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। इन्हें वे यम कहते हैं। तो यम है सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह। इसी तरह नियम भी है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। साधक को यम नियम का पालन करना चाहिए। मानसिक संतुलन स्थापित करो, मन को विकसित करो, इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, विचारों और भावनाओं का विकास करो, उसके बाद ही मन के पार जाने की बात आती है। यह कठिन कार्य है लेकिन यदि आध्यात्मिक प्रेरणा हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। कठोपनिषद के सुंदर उपमा का स्मरण करो। देह एक रथ है, इंद्रियां घोड़ों के समान है, मन मानो लगाम है और आत्मा रथ का स्वामी है। जब हम सर्वप्रथम देह में उसके बाद मन और इंद्रियों में समरसता स्थापित करने में कुछ हद तक समर्थ होंगे और हम आध्यात्मिक आकांक्षा स्पृह को अपने में पैदा करने में सफल होंगे तब हम आसन का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं जो ध्यान मार्ग का पहला सोपान है। आसन आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम अर्थात जो स्थिर तथा सुखदायक हो वह आसन है। सबके लिए प्रार्थना। बैठने के बाद प्रभु का स्मरण करो और जिस प्रकार तुम अपने लिए शांति पवित्रता ज्ञान चाहते हो उसी तरह सभी के लिए शांति पवित्रता ज्ञान के लिए प्रार्थना करो। सभी परमात्मा की ओर अग्रसर हो, सभी पवित्र हो, सभी मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना मन को उदार बनाती है। श्वास प्रश्वास का महत्व। अब नियमित श्वास प्रश्वास का थोड़ा अभ्यास बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से दोनों नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लो और बाहर निकालो। मन को सुझाव दो, मैं पवित्रता शक्ति और शांति को अंदर ले रहा हूँ। ईश्वरीय पवित्रता ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय शांति से अपने को पूर्ण कर लो। सभी के प्रति पवित्रता की तरंगे प्रवाहित करो। इच्छाओं का आध्यात्मिकरण। इंद्रिया बाह्य जगत के संस्पर्श में आना चाहती है। इंद्रियों की क्रियाओं के आध्यात्मिक दिशा दिशा प्रदान करो। वैदिक प्रार्थना है, हे देव हम कर्णों से शुभ श्रवण करें, हम अपने नेत्रों से शुभ दर्शन करें, शुभ सुनो, शुभ देखो, शुभ बोलो। नाना प्रकार की इच्छाएं वासनाएं मन के लिए समस्याएं पैदा करती है। एक आध्यात्मिक मनोभाव का कुछ व्यापक चेतना के भाव का विकास करने का प्रयत्न करो। सोचो कि ये सारे विक्षेप मिथ्या और स्वप्न सदृश है। काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या से बिल्कुल डरो मत। भगवान से मिलने की कामना करो। तुम्हारी राह की बाधाओं के प्रति क्रोध करो, परमात्मा के लिए लोभ करो और यह सोचकर गर्व करो कि तुम प्रभु की संतान हो। ऐसा करने से हमारी सभी इच्छाओं को आध्यात्मिक दिशा प्राप्त होती है। परमात्मा का मंदिर। एक रूपक में देह को मंदिर और हृदय को गर्भगृह कहा है। अतः हृदय रूपी गर्भ मंदिर में प्रवेश करो और हृदय को आत्म ज्योति से जो परमात्मा एक का एक अंश है पूर्ण देखो। ध्यान की विधि। अगर तुम निराकार ध्यान करना चाहो तो देह मन और समस्त संसार को भगवान में विलीन कर दो। सोचो मैं एक छोटा ज्योति पुंज हूँ तथा परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित अनंत ज्योति है। लेकिन जब तक हमें देहात्म बोध एवं व्यक्तिगत बोध अधिक है तब तक यह ध्यान नहीं किया जा सकता है। अतः अब सोचो कि तुम्हारी आत्मा ने एक पवित्र सूक्ष्म शरीर और एक पवित्र स्थूल शरीर धारण किया है तथा परमात्मा ने हमारे आराध्य इष्ट देवता का रूप धारण किया है। अब कल्पना करो कि अनंत परमात्म ज्योति में जो अनंत प्रेम और आनंद स्वरूप भी है भक्त तथा अनंत ज्योति प्रेम और आनंद के विग्रह इष्ट देवता विद्यमान है। उपयुक्त मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करो। सर्वप्रथम इष्ट देवता के ज्योतिर्मय आनंद दैवी रूप का ध्यान करो। उसके बाद उनकी अनंत पवित्रता अनंत प्रेम अनंत करुणा का चिंतन करो। अंत में उनके अनंत चैतन्य का ध्यान करो। परमात्मा के ध्यान से स्थापित होने वाली समरसता उच्च प्रकार की होती है। जब हमारे मन और आत्मा में स्वाभाविक रूप से वास्तविक समरसता स्थापित होती है तब हमें अनुभव होता है कि हम ईश्वरीय समरसता के संस्पर्श में आ गए हैं।
हमारी देह भी विराट देह विराट पुरुष का अंश है, हमारा मन विराट मन हिरण्य गर्भ का अंश है, हमारी आत्मा विराट आत्मा या ईश्वर का अंश है। ध्यान और साधना करने वाले बहुत से लोग चेतना के इस स्तर की उपलब्धि करते हैं। अंतर्यामी गुरु, हमारे आचार्यों का कथन है कि गुरु हमारे भीतर है। प्रारंभ में हम बाह्य गुरु की सहायता भले ही लें, लेकिन प्रगति होने पर अंतर्यामी गुरु का पता चलता है तथा हमें अपने को उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। वे शिष्य को आध्यात्मिक अनुभूतियों के निम्न स्तर से उच्च और उच्चतर स्तरों तक ले जाते हैं। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, योगाचार्य पतंजलि का कथन है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना अर्थात ईश्वर समर्पण से समाधि होती है। अपने को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। अपनी क्षुद्र इच्छा को भगवत इच्छा के साथ संयुक्त करना सीखो, तब एक चमत्कार होता है। बाह्य जगत में तथा आंतर जगत में प्रकाशित हो रहा सत्य परमात्म सत्ता अपने समग्र ऐश्वर्य में प्रकट होती है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। निश्चित भाव का विकास, हमें से बहुत कम लोग परमात्मा को अपनी आत्मा की भी आत्मा मानकर अग्रसर होने में समर्थ हैं। हिंदू धर्म में भक्त भगवान के स्वामी पिता माता सखा अथवा दिव्य बालक के रूप में आराधना से प्रारंभ करता है। इन विभिन्न प्रकार की उपासनाओं से हृदय और मन पवित्र होता है। सभी में एक आत्मा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग द्वारा एकाग्र मन तथा सर्वत्र समता दर्शन करने वाला व्यक्ति समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा को समस्त प्राणियों में देखता है। अब भक्त यह अनुभव करता है कि जो आत्मा भीतर है वह बाहर भी है और भगवान को सर्वत्र देखकर सभी में उनकी उपासना करता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिन महापुरुषों ने हमें कहा था कि कर्म और उपासना एक साथ करने चाहिए, उन्होंने हमें इस आदर्श को सामने रखने के लिए कहा, आत्मा की मुक्ति तथा जगत के कल्याण के लिए कर्म करो। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक मुक्ति अथवा ज्ञान के साथ ही दूसरों के कल्याण का भी प्रयत्न करना चाहिए। दृष्टिकोण उदार होने पर हमें अनुभव होता है कि हम एक बृहत्तर पूर्ण सत्ता के अंश हैं और तब हमें सभी के साथ महान आत्मीयता और निकटता का बोध होता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति कर्म और उपासना के आदर्श को इस दृष्टिकोण से व्यवहारिक जगत में कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करेगा तो हमारा जीवन मधुमय और सफल होगा तथा आध्यात्मिक चेतना उपलब्ध होगी। साधना एवं सेवा करते समय हम अहम केंद्रित न हों, हम अपने समस्त कर्मों के फल परमात्मा को समर्पित कर दें। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यदि हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ेंगे तो भगवान हमारी ओर 10 कदम आएंगे। आत्म जगत के इस सत्य की अनुभूति करना चाहिए, अतः आगे बढ़ो। परमात्मा सदा तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा मार्गदर्शन करे तथा पवित्रता प्रेम आनंद और उनकी दिव्य सत्ता से तुम्हारा हृदय पूर्ण कर दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम सो मच। वेरी गुड, वेल डन। क्या है कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैं नीचे गया, लेकिन नीचे भी प्रॉब्लम है तो फिर यहीं पर चलने देते हैं। सुबीर मजूमदार, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई, चलो। हाँ महाराज जी, मेरा पहला सवाल, व्हाट इज meant by the fact thoughts and feelings are to be developed and only then we can transcend the mind. H314 में है, first paragraph. ये बहुत important है। और उसमें यतीश्वरानंद जी ये भी लिखते हैं कि किसी ने कहा कि I want to forget my mind. तो उन्होंने कहा तुम्हारा माइंड कितना है, एक एक मन का है कि एक छटाक का है, ठीक है ना? जी yes. उसी में उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा मन कितना है, एक मन, मन यानी मौन यानी एक एक मन वाला जी. बंगाली शब्द के ऊपर एक वो किया है, तो मन का है कि छटाक का है, तुम्हारे मन में तो कुछ दम ही नहीं है, तुम मन को कंट्रोल क्या करोगे, फॉरगेट क्या करोगे? तो याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में केवल मन का कंट्रोल नहीं, मन का डेवलपमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जी, मैं जब MBBS करके मिशन ज्वाइन करना चाहता था
तो यतेश्वरानंद जी ने डांट के कहा मुझे एमडी करो। तो मैंने कहा महाराज मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ, मिशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, साधु बनना चाहेगा। नो डू योर एमडी, जोर से कहा। एंड व्हेन यू डू इट देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ। जितने बड़े बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं वो मस्तिष्क उनका ट्रिमेंडसली डेवलप था। अब ये मत समझिए कि लाटू महाराज निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको कुछ नहीं जानते थे। आप उनके उपदेश पढ़िए ना, आप देखेंगे महाराज आपकी आवाज रुक गई। महाराज आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही। इतना विस्तार से जानते थे, ठाकुर उनको नरेंद्र के पास भेजते थे, जा उसके पास में और तू सीखेगा। यस पूरा खोल देता हूँ जी, एंगल चेंज करके देखता हूँ। एक मोन मैंने एक शेयर ना ठीक है जी। सब कुछ आई क्या जी? नहीं आई। आप ठीक है महाराज? आवाज नहीं आई? आ रही है महाराज, आ रही है। भाई ये थोड़ा बहुत होगा, क्या करें, कुछ प्रॉब्लम होगी जी महाराज। तो ये है कि इंटेंस एक्टिविटी, स्वामी विवेकानंद कहते थे इंटेंस एक्टिविटी एंड इंटेंस कंसंट्रेशन। हम शास्त्रों में भी पाते हैं कि जितने भी महान आचार्य हो गए हैं, जैसे एक जैन धर्म में आचार्य स्थूलभद्र थे, तो वो एक्चुअली संसार में राजा नंद जो थे ना, राजा नंद का नाम सुना होगा, राजा नंद का प्रधानमंत्री थे शक्ताल, शक्ताल के प्रथम पुत्र थे और महान मेधावी, ट्रिमेंडस पावर था उनमें मेंटली। उसके बाद में वो एक कोशा नामक एक गणिका थी, उसके प्रेम में फंस गए थे, लेकिन उसके बाद में सन्यासी हो गए और आगे चल के वो आचार्य हुए थे जैन धर्म के, और ये महान मेधावी व्यक्ति थे। और आचार्य जैसे जैन आचार्य भी हैं, तो आप देखेंगे कि वो प्रकांड विद्वान भी होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रेन का डेवलपमेंट, यतीश्वरन जी इस आर्टिकल में बार बार कहते हैं इस पॉइंट को कि ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मत समझिए कि केवल मन को एकाग्र कर लिया, कंट्रोल कर लिया तो सब हो जाएगा। श्री रामकृष्ण निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें कितना सुना था। और आप वचनामृत पढ़ें तो आप देखेगा कि वो बड़े बड़े पंडितों को मानो हरा रहे हैं, बात करते चले जा रहे हैं और पंडित जो है वो हतप्रभ हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से मन के जितने पार्ट्स हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, चित्त के एकाग्रता है, स्मृति है, बुद्धि है, ये सारी की सारी अच्छी तरह डेवलप होना परम आवश्यक है। हमें क्लियर? हाँ बिल्कुल महाराज, बहुत अच्छा। आवाज अच्छी आ रही है? हाँ महाराज आप आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो बेसिकली रिफाइनमेंट ऑफ द माइंड एंड इट ऑल इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, मेमोरी, बुद्धि, नॉट ओनली मियर रिफाइनमेंट, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, नॉट ओनली रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट इज डिफरेंट। हाँ डेवलपमेंट, रिफाइनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। अच्छा डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट तो अलग है। जी 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 ठीक है। यानी आपको जैसे मैंने कहा ना कि मुझे कहा था एमबीबीएस के बाद नहीं एमडी करो। जी जी अब एक लेवल ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते चले जाएं, दैट इज नॉट द पॉइंट। देखिए इंटेलेक्ट में क्षमता तो होनी चाहिए कि वो शास्त्र का अध्ययन करे, समझ सके, लोगों को समझा सके जी, अपनी बुद्धि को समझ सके, शास्त्र के यानी स्पिरिचुअल लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं समझ सके, ये सारी बातें इम्पोर्टेंट। जी 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 के? जी महाराज सेकंड सवाल था हाउ टू ट्रेन द ईगो टू कम अंडर द कॉस्मिक विल, पेज 315 फर्स्ट पैराग्राफ, ट्रेनिंग ऑफ। ठीक है समझ गया। वो ये जैसे कहना, वो
ईगो, हमारा ईगो जो है अहंकार या हमारी इच्छा है, उसको भगवान की इच्छा के अंडर में डालना। जो हमारे भजन है ना भाई, प्रसिद्ध भजन है, बोलो सकेली तुम्हार इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्हें, तुम्हार अरे ये याद करने से नहीं होगा, उसको जीवन में उतारना है। जी 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 हाँ, सकेली तुम्हार इच्छा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा, मैं तो मेरा अहंकार सब काम कर रहा है। ये सारी एक प्रोसेस है, एक्चुअल साधना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साधना, शरणागति की साधना, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को भगवान के अहंकार में या कॉस्मिक अहंकार में डालना। उसके लिए कुछ स्टेप्स में अपन यहाँ आज जो है उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे है कि जो भी काम आप करें, अपने अहंकार से प्रेरित होकर तो काम करते हैं, ईगो तो है ही, हमेशा ही रहेगा। ठाकुर बोलते हैं कि ईगो तो है, उसको बालक साले को दास बना के रख लो। यही बात हुई अपने अहंकार को कॉस्मिक ईगो के विल के साथ में बनाना। तो अहंकार को अपना दास बनाना तो कैसे करना, बोलने से तो होगा नहीं। काम शुरू करने के पहले भगवान को याद कर लीजिए कि प्रभु तुम्हारी इच्छा जो है उसके अनुसार हो। यू आर यानी आप कॉस्मिक विल को मानो इनवाइट कर रहे हैं। प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपकी कृपा से हो। सेकेंड इज, कुछ लोग जो हैं वो आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, याद रखिए। कुछ काम करना है तो चुपचाप रहते हैं, किसी ने आके कहा कि महाराज वहां पे सेंटर शुरू करिए ना, तो ये आदेश आया कहीं से, उसके बाद में उसको चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करते। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आके बोलता है, उसके बाद साधन जुड़ जाते हैं। तो ये जितनी चीजें होती हैं, ये सच पूछा जाए कॉस्मिक विल के कारण होना चाहिए, होती है। और ये जो है एक प्रकार के स्पेशल प्रकार के साधक होते हैं जो भगवान की इच्छा जानने के बाद करते हैं। लाटू महाराज का आप सुनेंगे तो कहते हैं ना, लाटू महाराज कुछ काम करना चाहते थे, वहां जाना है तो वो चुपचाप रहते थे, कुछ नहीं करते थे, साल भर तक वेट करते थे भगवान के आदेश आने के लिए। नाउ ये दिस इज अ वेरी हाई स्टेट। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, प्रार्थना करना, वो वेट भगवान के लिए प्रार्थना करना, आदेश की प्रतीक्षा करना, और हमारे मन में जो इच्छाएं और संकल्प उठते चले जाएं, उसको काटते जाएं। जी महाराज जी, ये सर्व संकल्प सन्यासी गीता में आता है, और ये काटते जाने की बात कई लोगों ने कही है। अपने संकल्प मन में उठ रहे हैं, उसको काटते चले जाइए। अंत में क्या होगा, कुछ संपर्क ऐसे होंगे जो कटेंगे नहीं, बने रहेंगे, बहुत प्रबल होंगे, वो आप करेंगे। मतलब ये है कि भगवत इच्छा के अनुसार की जाए। राइट, तो ये जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसके माध्यम से हम अपने ईगो को कॉस्मिक विल में डाल सकते। जी महाराज। थर्ड क्वेश्चन महाराज, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि कॉस्मिक विल के लिए यदि मैं एक अच्छा सोचूं, अच्छी भावना रखूं कि मेरे को ये काम करना है, देन शुड आई वेट कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को ईश्वर देगा तभी होगा, या मैंने खुद ने ट्राई करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आप अभी तक तो हम करते ही खुद ही करते चले आ रहे हैं ना। जी जी, हमेशा तो, और जब बाद में देखते हैं, कहता है जब कुछ हुआ भगवान की इच्छा से ही हुआ। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि लाटो महाराज साल भर तक भी रुकते थे, जब तक कि ईश्वर की इच्छा ना हो वहां तो वो काम नहीं करते थे। ऐसा है कि अगर इसको आप एक साधना लेते हो जी, अगर आपकी इच्छा को भगवान की इच्छा में विलीन करने की साधना लेते हो, तो फिर अपने संकल्प को काटना है, अच्छा काम हो या बुरा काम हो। बुरा काम तो आप चोरी डकैती तो कर नहीं रहे हो, काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन अच्छे काम को भी अच्छे तो दर्श है, 10 काम है, मैं एक अकेला अपनी इच्छा के अनुसार ही तो कर रहा हूँ।
तो मेरी इच्छा जो है वो अगर भगवान की इच्छा ये मान के चलते हो तो चलो ये बात दूसरी है, लेकिन अगर भगवान की इच्छा की बात कर रहे हो तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी जी महाराज। महाराज थर्ड क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो। हाँ लास्ट क्वेश्चन है महाराज, हाउ डू वी एक्सपीरियंस आवर इनर गुरु। इसमें इनर गुरु के एक्सपीरियंस की बात की है पेज 320 में, तो हाउ डू वी एक्सपीरियंस आवर इनर गुरु। अच्छा वो पैसेज को आप पर से ठीक से पढ़िए तो वहां पे उसका आंसर है। ओ एक सेकंड महाराज। Our teachers tell us that the Guru is within. उसके पहले का पैसेज जो भी हो वो जहाँ से क्वेश्चन लिया आपने, मैंने कहा उसमें है कि मैंने खुद में आंसर में लिखा है, रीड द पैसेज। We may take the help of an outside teacher at the beginning of our spiritual life, but as we advance, we find the Guru is inside, and we must place ourselves at the feet of the divine Guru within. He takes the disciple step by step from lower ranks of spiritual experience to higher and higher ranks. This is what happened to the saints we have met. If we know how to tune our minds properly, we can hear the experiences of saints, their songs, the outpourings of their hearts, the expression of their spiritual realization, their instruction. ये है महाराज। नहीं नहीं है उसमें, क्लियर नहीं है। मतलब उसको ऐसा है कि how to experience, you know, If you are very careful, जिसे आपने आगे भी किसी ने कहा है, कॉन्शियंस की बात कही है, यू आर वेरी केयरफुल, आपको प्रति क्षण प्रति समय भीतर से एक गुरु हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते हैं, यह करो यह मत करो यह करो यह मत करो। एवरी टाइम यू विल फाइंड देर इज समवन इनसाइड विच इज ऑलवेज गाइडिंग अस, वी डू नॉट लिसन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जी जी। But there is someone inside who is always guiding. जी। तो उसको आप हमेशा गाइड करते हैं, यह करो यह ना करो, उसकी बात मानते चले जाओ। Be very careful, be alert, हमारे भीतर गुरु हैं, वो हमेशा कह रहे हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जब बुरी मन में बात आती है तो गुरु बता देते हैं कि देखो ये बुरा काम हुआ है ये मत करो, हम फिर भी बात करते रहते हैं। Everyone knows it. हम उसको फॉलो नहीं करते, ये अंदर की आवाज से फॉलो करेंगे उसको करेंगे तो हमको गुरु का इनर गुरु का एक्सपीरियंस होगा। एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूसली प्रे, प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा, शुरू में प्रार्थना करना है, सुबह शाम प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन। जी जी। ठाकुर तो माँ जगदम्बा साथ में हमेशा थी, हमारी भी हैं। प्रश्न यह है कि हम शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे दूसरे विचार आ रहे हैं, वो इनर गुरु जो है वो बेचारे दब गए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, उनको सदा याद रखिए कि वो पास में है, और जब भी हो हमेशा एक मन का एक भाव वहां रहना चाहिए कि गुरु क्या बता रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। जी महाराज। ओके जी महाराज। ये महाराज ये एक अंदर की आवाज है ना, जो जिसको हम लोग कहते ना एक अंदर की आवाज, और उसी को और जो जिसको कहा गया है कि टू फील द डिवाइन प्रेजेंस, जो पहले महाराज जी ने बताया यतीश्वरानंद जी, इज नॉट मेयरली द प्रेजेंस, इट इज मियरली इवन ए गाइडेंस, कॉन्शियस। आगे भी आएगा और भी कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया है, कॉन्शियस, अवर कॉन्शियस गाइड्स अस, दैट कॉन्शियस इज द इनर गुरु। जी जी जी। कॉन्शियस इज आल्सो इनर गुरु। दिलीप भाई कुछ पूछना चाहते हो? हाँ महाराज, मेरा ये सवाल था कि अभी आपने जो गुरु के बारे में बताया और उसके पहले सुबीर जी ने जो पूछा था कि कॉस्मिक, तो इसमें गुरु में और इसमें क्या फर्क है? इसमें गुरु एंड आपने जो ये बताया है परवर्त भाई
अरे वही तो भाई, जो इनर कॉन्शियंस है ना, अंदर की आत्मा, अंदर आत्मा, अंतर आत्मा से कुछ आवाज आती, समझते ये करना ये नहीं करना, वही तो गुरु है, उसी को नाम, किसी ने गुरु नाम दे दिया और क्या, नाम दे दिया, नाम से फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। ठीक है महाराज जी, प्रणाम महाराज। अच्छा इतु घोष जी, प्रणाम महाराज। हाँ मेरा पहला प्रश्न है, लेट कर ध्यान का अभ्यास कभी कभी और अगर नींद ना आए तो क्या ये विज्ञान सम्मत है? हाँ किया जा सकता है। अच्छा किया जा सकता है, विज्ञानानंद जी करते थे, लाटू महाराज सोया करते थे, जिससे लोगों को पता न चले कि वो क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किया जा सकता है। लेकिन जब आपने कहा ना उसमें ध्यान नींद की समस्या होती है जी, और नींद की आ जाएगी, इसलिए उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन रिलैक्सेशन तो हो ही जाता है, उसमें बॉडी माइंड रिलैक्स हो जाते हैं और उसको अगर ध्यान में लगाया जा सकता है। लेकिन यही समस्या है कि नींद आ जाती है, इसलिए आप इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता जी। सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन है, हम इंद्रियों को अंतर्मुख करना चाहते हैं, यह आपके टेक्स्ट से है, और इंटेंस एक्टिविटी एंड नहीं ये नहीं अभी बोल रहे, हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करना चाहते हैं जिससे जिससे इसके जीवन में जिससे इसके जीवन में ऐसा एक समय आए कि अब वो अदृश्य को देखने के लिए नए चक्षु इन ईश्वरीय वाणी स्वर्ग का संगीत सुनने के लिए नए कर्ण प्राप्त कर सके, और यही लाइन है। और ठीक है, मुझे राहत आ गया। अरे जीवन में ऐसी अवस्था किस तरह से संभव है? अच्छा मेरा ये कहना है, अरे इंद्रियों को अंतर्मुख करने के पहले अपने शरीर को साधो तो। आंखें इतनी हमारी चंचल रहती हैं, हाथ पैर अनचंचल रहते हैं, चेहरा चंचल रहता है, सारा दिन हम सारे रेस्टलेस रहते हैं और इंद्रियों को अंतर करने की बात करते हैं। फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंद्रियों को कंट्रोल करो, बाहर की इंद्रियों को, अंदर की इंद्रियों की बात सोचो, सोचो मत। आधा घंटा बिना हिले डुले हम बैठ नहीं सकते, पहले आधा घंटा बिना डुले बाकी एक स्थान पर बैठो जिसमें उंगली भी नहीं हिले, आंख भी नहीं हिले। अरे आंख और पुलक जो है ना, पलक जो है वो बराबर हिलती रहती है, आंख इधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, गर्दन हिलाते रहते हैं, ये मैं खुद जानता हूं, मैं अपनी हालत बता रहा हूं, तुम्हारी नहीं जी। तो ये इसीलिए सबसे पहले स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था ध्यान कैसे करना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था पहले बैठना तो सीखो, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, कंप्लीट वर्क्स में है, फर्स्ट लर्न टू सिट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर आउटर सेंसेस। When you control these, then the question of becoming antarmukhi होगा। अंतरक, आंतरक, अंतर के कर्ण और अंदर के नेत्र इत्यादि जो है ये बाद में होंगे। पहले first step is this, second is simple meditation। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आंखें बंद खोल के अपने इष्ट का आधे घंटे तक रूप देखो, चित्र देखो, मुंह से अपने इष्ट का चित्र रूप अपने नाम जप करो और कान से सुनो, यही कंप्लीट कर, धीरे धीरे ये सब इस लेवल पे तो करो बाबा। उसके बाद में प्रश्न उठेगा कि अंदर का नेत्र डेवलप होगा, अंदर का कर्ण डेवलप होगा और आप स्पिरिचुअल चीजों को एग्जाम में जान सकेंगे। सो सबसे पहले बात है इनर क्या है कि अंदर ये अपने बैठने का प्रयत्न करो, अपने बाहर के इंद्रियों का कंट्रोल करो, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके जी, एक और है जी, थर्ड क्वेश्चन है,
किस प्रकार की अनुभूति से ज्ञात होगा कि हमारे देह सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों और मन में सामंजस्य स्थापित हो रही है। तो कुंडलिनी की बात भी तो है ना, क्या कह रहे थे? नहीं है वो कुंडलिनी विभिन्न ओके ओके विभिन्न अंगों में सामंजस्य कहते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन था महाराज, वो पहला क्वेश्चन में हमने पूछा था कि इसमें कुंडलिनी के प्रभाव में कोई अंतर पड़ता है या नहीं। ओके ओके ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अंग में, दोनों अंगों में सामंजस्य कैसे होगा। फर्स्ट इज हमारा शरीर जो है वो कम चंचल होगा, अभी जो बात कही ना, हम कम चंचल होंगे। वी डोंट नो हाउ रेस्टलेस वी आर, समटाइम्स अदर पीपल नो दैट यू आर वेरी रेस्टलेस, वी डोंट रियलाइज अवर सेल्फ्स, अवर माइंड, अवर यानी सारा शरीर मन जो है एकदम चंचल बना रहता है। तो फर्स्ट है चंचलता कम होगी, मन शांत होगा, ये आंखें मन देह की चंचलता कम होगी और भीतर आनंद प्राप्त हो, याद रखो जी, भीतर एक आनंद प्राप्त होगा, आपको हिलने डुलने की इच्छा नहीं होगी, नींद नहीं आएगी लेकिन फिर भी हम शांत बैठे रहना चाहेंगे और ध्यान इजी हो जाएगा, मेडिटेशन विल बिकम इजी। अभी क्या है ध्यान भरना करना, यानी इट इज अ फाइट, रेगुलर फाइट विद द माइंड, वो नहीं होगा, ध्यान जो है वो आसान हो जाएगा। प्रश्न ये है, अच्छे अच्छे चौथा प्रायोरिटीज दी आर द थिंग्स, वो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, यानी हमेशा सुनते रहे ये चीजें, अरे जीवन में उतारना है बाबा, जीवन में उतारना, यानी अब ये साल भर हो गया। मैं आज पूछना चाहता था कि ये क्लासेस शुरू हुई थी 4 अक्टूबर से 2020, तो करीब करीब साल भर हो रहा है, साल भर में हम वहीं के वहीं हैं या आगे बढ़े हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछते चले जा रहे हैं लेकिन जैसे हैं वैसे के वैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। इज नॉट फॉर यू, इट इज जनरल क्वेश्चन, आई एम जनरल कमेंट आई एम मेकिंग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, भगवत नाम का जप करते हुए और परमात्मा के एक पक्ष से दूसरे पर अग्रसर होते हुए परमात्मा का ध्यान करने से एक अपूर्व परिवर्तन होता है, सो प्लीज इसको समझाइए। अच्छा, तो क्या है कि वो महाराज ने बोला है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाते हो तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। यू नो दिस आर्टिकल इज अ वेरी वेरी प्रोफाउंड आर्टिकल, यानी उसमें सिंपल प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं और हायर लेवल की बातें भी बताई गई, और जो एक स्तर से दूसरे पर जाने पर क्या होता है वो क्या है, उन्हें उसी के वो जो पोर्शन पढ़ा है ना उसके पहले ही पोर्शन महाराज बोलते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर से, मतलब यह क्या है कि पहले भगवान के रूप का ध्यान करो, लेकिन रूप भी क्या, ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करो, उसके बाद में उनके गुणों का ध्यान करो, और उसके बाद में अनंत चैतन्य का ध्यान करो, यही है ना जी जी। वो चेक कर लो, तुम्हारा एग्जैक्टली द सेम थिंग इज रिटन देयर जी, वो एक के बाद एक दूसरा ना, क्या है कि एक सर से एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना, यानी ज्योतिर्मय रूप से गुणों को जाना और गुण से फिर अनंत चैतन्य के जाने से क्या होता है। अच्छा, क्या होता है, आगे बोलो क्या बोल रहे हैं। परमात्मा का ध्यान करते हुए एक अपूर्व परिवर्तन होता है। हाँ, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, क्यों, इसलिए कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम हायर लेवल पे ध्यान नहीं कर सकेंगे, यानी हम पहले रूप का ध्यान कर रहे हैं भगवान के रूप का, क्योंकि हम अपने आप को रूप समझते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं गुणों का ध्यान करने की बात जब आती है तब उसको हमें भी अपने आप को सटल लेवल पे ले जाना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम भी बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं है, हम क्या हैं, हम एक सूक्ष्म शरीर वाले आदमी हैं। तो इस प्रकार से मेंटल परिवर्तन हमारे जीवन में हुए बिना हमारी मेडिटेशन की लेवल्स जो है बढ़ेंगे नहीं, दैट इज द पॉइंट।
इसलिए ये कहते हैं कि एक अपूर्व परिवर्तन आपके जीवन में होगा जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएंगे, ध्यान करेंगे। तो दिस इज अ थिंग विच इज टू बी एक्सपीरियंस, यू नो, अगर आप ध्यान ठीक से करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा अपने स्वयं के संबंध में कंसेप्ट है वो बदल रहा है। हम अपने आप को पहले फिजिकल मैन समझते थे, अब हम समझने रहे हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर भी है और हम हमारे गुण भी हैं, हम गुण युक्त व्यक्ति हैं, केवल एक फिजिकल व्यक्ति नहीं। ओके जी, जी हो गया। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, एक ये प्रश्न इनके ही इसी संबंध में था, मैं प्रभा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ, वो आपने जो कहा महाराज जी, वो रात में जो सोते समय जो हम अगर ध्यान करते हैं नींद आ जाती है, तो ऐसे तो रेगुलर अगर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं बैठ करके तब करते हैं, लेकिन सोते समय अगर हम जब करते करते सो जाते हैं और फिर सुबह उठते के साथ जब करने लगते हैं तो नहीं, नहीं ये दूसरी चीज है, ये दूसरी वही जब करने का, वो दूसरी, दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ओके ओके। सोते तो भगवान का स्मरण करते हुए जब करते हुए सोना चाहिए, but it is not a part of your regular spiritual practice. Okay, ये नहीं है कि मैं बैठ के नहीं क्यों तो सो के कर लूं, that should not be done. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है, उसको साधना में हम। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। सपना, first question is how anyone can become spiritually hungry? Does it depend on his prarabdha karma? This is a very important question in the sense that बहुत सारे questions जो यहाँ पे आए हैं वो यही है कि हम लोग spiritually hungry नहीं होते, हमें hunger नहीं, spirituality हमें चाहते नहीं है, किसी तरह से चलो once a week थोड़ा सा खा लिया, once a week थोड़ा सा spiritual food मिल गया and we are happy। लेकिन जतीश्वरन जी बार बार कहते हैं कि spiritually hungry हो, लेकिन उसमें कई बातें हैं। पहला है भोग की समाप्ति हुए बिना आध्यात्मिक व्याकुलता नहीं आती, ठाकुर खुद बोलते हैं इस चीज को, है कि नहीं? हमारी भोग की इच्छा संसार की इच्छा है, इसलिए भगवान की इच्छा नहीं होती, स्पिरिचुअल हंगर हमारे मन में नहीं उत्पन्न होती, इसलिए भोग के पेट पे भोग की इच्छा है, भोग की भूख है, इसलिए भगवान की भूख नहीं। बेटर नॉट टू ब्रिंग ये प्रारब्ध मत लाना। अच्छा अच्छा। प्रारब्ध क्या है कि ये एक becomes a sort of an excuse for everything। अच्छा अच्छा। Don't bring it, don't bring it प्रारब्ध। Whatever you try to do, you do it yourself। Remember प्रारब्ध में ज्यादा से ज्यादा at the most है कि ये जो फल नहीं मिला उसको बोल सकते हो कि प्रारब्ध। अच्छा। लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं उसको बोले कर प्रारब्ध है। अरे भाई भगवान की इच्छा होगी तब मैं ध्यान करूंगा, तो भगवान की इच्छा पे डाल दिया, खुद हमारी इच्छा ही नहीं है। नहीं नहीं, हाँ। थर्ड इज स्पिरिचुअल हंगर बढ़ाने के लिए विचार आवश्यक है। ये जगत अनित्य है, भोग की निहीनता है, अरे संसार में इतना भोग तो कर लिया, अब कितनी बार करेंगे, सारा जीवन क्या भोग करते ही रहेंगे? अरे रसगुल्ला तो 100 बार खा लिया फिर भी 100 बार फिर खाने की इच्छा होती है, अरे हो गया ना, एक बार खा लिया, ठाकुर ने क्या किया था, वो गुलाब जा रसगुल्ला था या क्या था, संदेश था, मुंह में इधर उधर घुमाया, खा लिया, विचार करके सादा छोड़ दिया। संसार में इतने भोग हैं, करते चले जाओगे तो मन में और कुछ हायर लेवल का इच्छा होगी नहीं, इसलिए भोग की हीनता का चिंतन करके जगत की अनित्यता, ये दो बातें, जगत अनित्य है, कभी न कभी मरना है, जल्दी जल्दी बाबा कर लो, भगवान का कुछ ध्यान कर लो, मन में व्याकुलता उठाने के लिए ये चिंतन आवश्यक है, और भोग की हीनता का चिंतन कर। ठीक है। और थर्ड चीज एक और है ना, स्पिरिचुअली हंग्री के लिए यानी व्याकुलता की बात है, तो आर्टिफिशियल वीपिंग, भगवान के लिए आंसू तो नहीं आते, लेकिन फिर भी भगवान के पास जाके भगवान दर्शन दो करो। अच्छा। इसकी कहानी है एक, मालूम है ना,
नो सर रामानुजाचार्य के चरित्र जीवन में तो रामानुजाचार्य के जीवन में लोगों को कीर्तन होता था, लोग कोई बहुत आंसू आते थे, कोई पछाड़ खा के नीचे गिर जाता था, ऐसे सब भक्त थे। और एक कभी आंसू नहीं आए, कभी फीलिंग नहीं हुए, उसको बड़ा बुरा लगे, तो क्या किया उसने, आर्टिफिशियल आंसू यहाँ पे तेल वेल लगा के आंखों के सामने आर्टिफिशियल आंसू बना के आर्टिफिशियल करता था। वो रामानुज को दिख गया, तो रामानुज ने कहा अरे इसमें सचमुच व्याकुलता की इच्छा है, वो चाहता है कि मैं व्याकुल हूं। फिर उन्होंने उसको कृपा की और उसके बाद में वो बड़ा संत बना। तो चाहो तो थोड़ा आर्टिफिशियल वीपिंग आर्टिफिशियल व्याकुलता उसको कर लेना। ठीक है महाराज जी, एक इसी का रिलेटेड सवाल था भोग पर। हजारों भोग की इच्छाएं होती है, लेकिन हजारों भोग की इच्छाएं होती है, एक एस्पिरेंट भोग कम करता चला जाता है, लेकिन कई दफे ऐसे चार पांच भोग होते हैं जिसमें वो फिर भी फंसा रहता है, तो उसका क्या करें? बड़ा मुश्किल है भाई, विचार के द्वारा बिना ही होगा। ठाकुर ने तो जो कहा है ना कि छोटे भोगों को भोग करके भोग और विचार के तरह त्याग दो, और बड़े भोग हैं उनको केवल विचार के तरह त्यागो, नहीं तो एक बार फंसे तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल। ये बड़ा भयानक चीज है, विचार को, छोटे मोटे विचार को तो भोग कर लिया और विचार कर लिया करे, इसी को तो कहते हैं रसगुल्ला खाना। लेकिन अब आप कहें कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तब वो फंस गया, वो विचार जो है वो आप बन गए तो उसके बाद निकलने वाले नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल बात है, विचार के द्वारा कुछ तो भोग नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, और फिर वो कष्ट पाते हैं, बंधन में डालते हैं, मतलब वो एक व्याकुलता नहीं हो पाती है। हैं? प्रश्न ये है मतलब कि एक बड़ी डेंजरस अवस्था है, बड़ी डेंजरस अवस्था है, बड़ी डेंजरस है। और कितना बताते हैं ठाकुर के भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, ये बहुत आनंद की दायक चीज है, इतना सब होते हुए भी हम विचार के द्वारा उसको बढ़ाते नहीं है। जी जी, बड़ा मुश्किल का बात। ठीक है महाराज, चलो महाराज। कभी कभी कुछ लोग जैसे इमोशनल होके रोते हैं प्रार्थना करने के टाइम या पूजा करने के टाइम, तो वो रोना जो है वो क्या मतलब हमारे इमोशंस जो है वो निकलते हैं? और क्या है हाँ, भगवान के लिए तो व्याकुलता तो नहीं होती। जी 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 महाराज, तो व्याकुलता नहीं होती। जी तो महाराज, सेकंड क्वेश्चन है, एज यू सिट डाउन टू मेडिटेट, थिंक ऑफ द क्रेविंग्स ऑफ द माइंड एज मेयर ड्रीम्स, सी देम अनरियल, दे कैन नेवर अटैच देमसेल्व्स टू द माइंड। So, but we see the vrittis through the mind only. So, what is the actual message of Reverend Maharaj ji? ऐसा है कि mind can be divided into two. Oh, अच्छा, वो इस तरह. This is very important. Very important. एक mind जो है या तो साक्षी बनेगा, दृष्टा बनेगा, और दूसरा mind है दृश्य बनेगा. Yes, ma'am. तो ये करना पड़ता है. Okay. और वो ये कहते हैं कि एक जो शुद्ध मन है वो ही विचार देख सकेगा, तो पार्ट है, देयर बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माय माइंड व्हिच इज प्योर आल्सो। ठीक है, अच्छा वो भी सोचे हैं। एंड वो तो हो गया, लर्न टू कनेक्ट योर लिटिल विल टू द डिवाइन विल, वो तो आपने बता दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन है महाराज, इन वेदांत देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ स्नेक एंड रोप और वेकिंग और ड्रीमिंग स्टेट्स, but we can only see the here we can see the both states, the rope and snake and dreaming and waking, but for the world we experience only one state. Unfortunately, except the realized soul. I give you another example. Okay, Registan mein agar aap jao
तुम गए हो रेगिस्तान में, वहां पे पानी दिखेगा जी, पानी ही दिखता है। हाँ अच्छा, तुम्हारा तो रेत तो नहीं दिखती। जो संसार में भी ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे इल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ही चीज दिखती है दूसरी नहीं दिखती। ये इल्यूशन सर्वत्र है, थोड़ा विचार करके देख लें। अच्छा, चूंकि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो माँ देखेंगे, वो नारी नहीं देखेंगे, माँ देखेंगे। हाँ हाँ, दे विल ऑलवेज सी माँ। यस यस महाराज, देन दैट मींस दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, व्हिच इज जिसको हम मिथ्या कहेंगे, भ्रम कहेंगे, ये कहेंगे। और वेदांत आगे जाते हुए कहता है कि जो भी कुछ देखते हैं हम संसार में वो सारा प्रोजेक्शन है, सब मिथ्या। मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं कि अगर मेरे पास एक सिक्स्थ सेंस होता तो दुनिया मेरे को दूसरे प्रकार की दिखती। यस यस, ये जो जानवर होते हैं तो उनके लिमिटेड सेंसेस होते हैं। जो बिल्ली भी देखती है आदमी को तो देखती है, लेकिन मैं जैसा देखता हूं वैसा तो नहीं देखती। कैसी देखती हम नहीं जानते जब तक बिल्ली की आंख हो। तो जैसे अगर सिक्स सेंस हो जावे तो दुनिया दूसरे प्रकार की दिखेगी। जी जी, सिक्स सेंस था वो दुनिया में सब देख रहे हैं, नरेंद्र को भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रकार से देख रहे हैं। और वो माँ के पास जाके बोलते हैं कि माँ, नरेंद्र बोलता है कि मैं उसका नरेंद्र हो जाऊंगा, जड़ भरत जैसी मेरी स्थिति होगी। माँ बोलती है कि भगवान को देखता है। सो इट इज नॉट लाइक दिस, वी आर एक्चुअली वी आर हैविंग ओनली, वी आर ओनली सीइंग द रोप, ओनली सी स्नेक, स्नेक, स्नेक ओनली। यस यस, रिमेंबर। यस यस, और ये महापुरुष होते हैं वो रोप भी देखते हैं इसके पीछे। महाराज, इज दिस द रीजन दैट इट्स सो हार्ड फॉर अस टू थिंक द वर्ल्ड एज अनरियल? वो इसीलिए तो है कि वो चित्त शुद्धि करना पड़ेगा। अच्छा। चित्त शुद्धि होने के बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, और जो शुद्ध उच्च शुद्ध है, उत्तम अधिकारी हो, तो एक बार श्रवण मनन निधि ध्यासन के बाद में उसको सामने कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद उसको ईश्वर ही दिखेगा। स्वामी विवेकानंद जो बात करते थे वो हमेशा भगवान देखकर ही बात करते थे, याद रखो। ही ऑलवेज सॉ गॉड। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। ठीक है, प्रणाम महाराज। ओके, प्रणाम। दिलीप भाई जी, प्रणाम महाराज, आ जाइए महाराज जी। आउट ऑफ माय क्वेश्चंस, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो अभी आपने पूछा कि एक साल भर से ये संडे टॉक्स चल रही है, मैं दो दिन से इस पे सोच रहा था गहन, एंड आई कम टू रियलाइज कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है एक्सेप्ट एकेडमिकली। यानी हमने कोई डिग्री लेना हो तो उसके लिए पढ़ाई करते, वैसे हमने ये पढ़ाई की और सवाल पूछे और उसका जवाब लिया है, बट इंटरनल देयर इज नो प्रोग्रेस इन लाइफ, दैट आई रियलाइज्ड। एंड दैट वाज माय, मैंने कहा इसीलिए पूछ, नहीं इट वाज माय महाराज, मेरा ये बेसिक सवाल था। दो दिन से मैं परेशान हूं इस पे कि क्या हमने पाया, हमने सिर्फ ये पाया कि कुछ ज्ञान मिला है बस, पर अंतर से कुछ नहीं मिला और वो हम नहीं ले पाए, क्या करना चाहिए? अब भाई अभी आप जाने हैं, मैं क्या करूंगा? मैं या तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। नहीं नहीं, दिस इज माय क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग ये मैं कह रहा हूं, यही तो एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूं कि दैट मींस इसको मैं टू मॉडिफाई करें, दिस इज नॉट सफिशिएंट, या इसको बंद कर दें? नहीं नहीं, बंद तो नहीं करना, हमें ज्ञान तो मिल ही रहा है, ज्ञान तो मिल रहा है, परंतु पाथ पे जाना चाहिए, या आप चाहते हैं कि हम उस पाथ पे जाएं? वो ये तो मैंने कहा कि एक घंटा डेढ़ घंटा के बाद सब साफ हो जाता है जी।
एक घंटा डेढ़ घंटा अच्छा एक जूम हो गया, मॉडर्न टाइम्स की एक नई प्रैक्टिस हो गई है, नया एक प्रोग्राम हो गया है और बाकी सब फट से साफ हो जाता। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा जी। ये दो दिन से मेरे दिमाग को परेशान करना चाहिए, मेरे दिमाग में भी इसीलिए तो मैंने कहा प्रश्न उठाया ये जी। भारत में एक बात इट डज नॉट मेक एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रहा हमारा, एकेडमिकली प्रोग्रेस बहुत हो गया। ऐसा है कि देखिए दैट इज व्हाट आई से कि ये आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम से नहीं होने वाला है जी। आई मीन ये एक प्रश्न यहाँ पे भी आया है, मैं एक बार इसको करना भी चाहता था आज ये इसी के ऊपर डिस्कशन, तुमने पॉइंट रेज किया है तो डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा है कि अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है तो आपको खुद का अपना प्रोग्राम बनाना होगा, ये प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा जी। मतलब ये है कि सुबह शाम बैठना है, ठाकुर एकांतवास की बात करते थे, एक घंटा दो घंटा आप कमरे में बंद हो जाइए, किसी से बात नहीं करिए, मोबाइल मत करिए, निरंतर भगवान का नाम करिए सुबह और शाम को। रविवार के दिन आपने पूरा छह घंटे का प्रोग्राम बना लीजिए, अपने कमरे में बंद हो जाइए। हमारे फादर तो ये करते थे कि वो उसके बाद तो रिटायर हो गए थे, तो तीन घंटे वो ऊपर कमरा था, एक हॉल जैसा था, श्राइन बना लिया था, उसमें वो तीन घंटे बंद रहते थे और किताबें पढ़ते रहते थे। ध्यान नहीं होगा, किताबें पढ़ शास्त्र पढ़ा करते थे। जैसा मैंने कहा यार ये आप रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन कीजिए, ये बहुत करना ही होगा, बिना उसके नहीं होगा। मैंने ये तुम बात कर रहे हो एग्जैक्टली सेम थिंग मैंने कल अपने नोट्स में लिखे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं। और उसके बाद में फिर एक प्रॉब्लम ये भी आता है, ध्यान के बारे में बार बार प्रश्न करते हैं कि ध्यान कैसा अच्छा नहीं होता है, थोड़ा ध्यान किया उसके बाद में फिर मन चला जाता है। बाबा उसके पहले प्रिपरेशन किए बिना नहीं होगा, बिना सारे जीवन को कंट्रोल किए बिना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए ठाकुर जैसे कहते हैं ना, सप्ताह में महीने वो ठाकुर बोलते हैं कि बीच में एकांत में जाओ, छह महीने जाओ तो भी अच्छा है, एक महीने जाओ तो भी अच्छा है, एक सप्ताह के जाओ तो भी अच्छा है, एक दिन के लिए जाओ तो भी अच्छा है। अरे भाई आधे दिन के लिए संडे के दिन कमरे में बंद हो जाओ तो भी अच्छा है। ये एकांतवास करके केवल भगवान और मेरे समय रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा जी। और दिन रात सुबह शाम आपको भजन सुनना पड़ेगा, आपके संसार की बातों से दूर रहना पड़ेगा, टीवी न्यूज़पेपर नहीं चलेगा, ये बिना उसके कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू हो रहा है। ये डेढ़ महीना डेढ़ घंटा जो है वो हमारा बर्बाद हो रहा है, आपका बर्बाद हो रहा है, पट से साफ हो रहा है। तुमने राइट क्वेश्चन उठाया और एक्चुअली मैं उसके लिए तैयार हो गई आया था। नहीं महाराज, ऑन दिस आई बेग टू डिफर महाराज। लाइक वी आर सो कैलकुलेटिव, अगर कुछ नहीं मिलता वी वुडंट हैव वेस्टेड दिस टाइम और वेस्टेड योर टाइम, दैट इज नंबर वन। And secondly, we have found a way and we have traveled through that way and definitely we have found something. Now that something I cannot quantify. But the very fact that when others are doing something else and I am doing something else, I am not a fool. I wouldn't have done this unless I would have got something. Okay. ठीक है. That's right. Good. There is some positive. Dilip bhai. दिलीप भाई का जवाब हो गया, ये वो कुछ तो बोल रहे हैं कि कुछ तो मिला, बिना उसके क्यों आते हैं हम रोज हर संडे को। नहीं तो महाराज मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये कहता हूँ डेढ़ घंटा वी आर यूटिलाइज, और यहाँ से जो हमें ज्ञान मिला है वो स्पिरिचुअल ज्ञान का एकेडमिक पार्ट मिल रहा है, इसको स्पिरिचुअल पार्ट नहीं मिल रहा है, ये मेरा वो तो अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ एकेडमिक ही होता है। गीता को आप गीता को सारा पढ़ जाइए, वो एकेडमिक ही है। गीता के ऊपर बहुत सारी कमेंट्री बड़ी बड़ी है, वो सब एकेडमिक हो जाती है जब तक उसको जीवन में नहीं उतारो। और जीवन में उतारोगे तो गीता का एक श्लोक काफी है सारे जीवन के लिए।
फिर उसके बाद क्लास का ही प्रश्न नहीं होता है, गीता का एक श्लोक ले लो जीवन में उतारो, खत्म हुई बात जी। एक सप्ताह ले लो, एक अध्याय ले लो, और नहीं तो गीता के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप पढ़ डालिए, ये एकेडमिक हुआ। एक ही गीता जो है वो एकेडमिक हो जाती है और एक ही गीता जो है वो प्रैक्टिकल भी हो जाती है जी। यहाँ जो डिस्कशन होते हैं बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस होती हैं जी जी, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आइडियाज क्लियर होते हैं, यही है उनका चंदन का कुंडू का कहना जी। अगर नहीं होता तो हम क्यों आते यहाँ पे, बार बार आते हैं, हमको अच्छा लगता है। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी आई हैव माय फीलिंग इज दैट दिस ट्रूथ्स व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम योर माउथ इट्स बिकम्स वेरी क्लियर, आई मीन इट गोज टू द हार्ट, आई मीन we read it, we have learnt it so many times, we have read it, when it comes from your mouth then it goes to the heart, this is my feeling. Kon bola Devashish, kya acha, okay Maharaj ji, I feel Maharaj ji हाँ दिलीप भाई ने जो कहा उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक दैट जो हम लोग डिस्कोर्स हर संडे कर रहे हैं, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द रेस्ट ऑफ द सिक्स डेज और इवन द रेस्ट ऑफ संडे इज अपॉन अस, और अगर हम लोग वो ठीक तरह कर रहे हैं देन वी आर द जज ऑफ हाउ मच वी आर अचीविंग, तो मेरे ख्याल में दैट इज द रियल मेजर कि हम लोग। दिलीप भाई आपकी तो खिंचाई हो गई है जम के। नहीं नहीं तो सही है महाराज, जो मेरे दिल में है वो बताने में तकलीफ थोड़ी है अपने वालों को। मतलब ये है कि आप जो सुनते हो उसको भूल जाते हो या इसको एकेडमिक ही समझते हो, ये एकेडमिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, इस जीवन में उतारिये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही बराबर महाराज जी, महाराज जी प्रणाम देवाशीष महाराज जी, अनदर इज दैट once we get your text on Sunday or this Monday that goes into the back of my mind, padhna padega the entire week par ho jata hai, padhna padega dekhi, and then you have to read. If you don't, if there's no class then probably will never read. Oi dekho no, abhi to aapko saptah ke liye ek question hai, kitne article bhi to de diya, जब आ जाता है तभी जाके चालू हो जाता है कि बैक ऑफ द टाइम निकालना पड़ेगा सो एंटायर वीक इज पासिंग थ्रू दैट थॉट एंड योर ठीक है, चलो आप ही करें माइंड। हां चलो, अच्छा दिलीप भाई आपका एक क्वेश्चन ले लो। हां चलो महाराज, पहला क्वेश्चन तो सपना जी ने करीब पूछ लिया था, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन जो है, Your mind got the weight of 80 pounds or only a katak, ये भी अपना हो गया, सुबीर जी ने पूछा था। Yes, now my question is, what is the relation between asan and the ego and how it can be an asan? नहीं नहीं ऐसा है कि उसको देखो ठीक से तुमने पढ़ा नहीं, ऐसा है आसन बैठने के पहले हाँ? मन इंद्रिय अहंकार इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये है पॉइंट। हाँ, बराबर। अगर तुम उसको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे जी, जी। तो आसन का अहंकार से डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ। डायरेक्ट संबंध नहीं है जी। तो क्या है कि मन इंद्रिय इनको थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा, अहंकार को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब उसके बाद में फिर आसन का प्रश्न होगा जी। यानी पातंजल योग सूत्र में कहते हैं यम नियम ना, यम नियम आसन प्राणायाम, तो यम नियम जब आप करेंगे, यम नियम का अर्थ है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो आप कहेंगे कि इसका आसन से क्या संबंध है, डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है जी। लेकिन शरीर को साधने के पहले कम से कम हमारे कुछ तो पवित्रता होनी चाहिए, और इसलिए कहते हैं कि आसन के पहले हमारा अहंकार थोड़ा कम होना चाहिए, मन इंद्रियां थोड़ी संयत होनी चाहिए, उसके बाद में फिर आसन चलो। जी
डायरेक्टली कोई संबंध नहीं। ठीक है महाराज जी, आई हैव ए स्मॉल क्वेश्चन महाराज जी, देवाशीष महाराज जी। राइट महाराज, बराबर महाराज जी, व्हेन यू सीट फॉर मेडिटेशन दैट इज आल्सो सम आसना नो यू आर सिटिंग दैट मींस आई से उसी की बात हो रही। हां एलिजिबल सेम थिंग नो नहीं नहीं आसन यानी बैठना ध्यान हाँ, के लिए बैठना। तो हम लोग जो एवरी डे वी आर सिटिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर इन द आसना दैट मींस नेवर थिंक ऑल दिस थिंग्स वी जस्ट सिट देयर एंड स्टार्ट डूइंग आवर व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड अस टू डू बाय आवर गुरुजी। So that means we are not, are we not fit or not unfit? That we never judge. प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। यानी मत यमा या नियमा जो है ये सब सोचते नहीं है हम लोग आसन होते हैं। नहीं इसीलिए तो प्रगति नहीं होती। ओह अच्छा। चित्त शुद्ध नहीं होता इसलिए ध्यान भी जमता नहीं। अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पांच स्टेप के बाद में धारणा ध्यान समाधि आती है। ध्यान जो है वो तो सातवां स्टेप है उसके बाद तो समाधि आ गई। लेकिन पहली वाली हम स्टेप्स तो करते ही नहीं है इसलिए समाधि कुछ नहीं होता। जहाँ के रहते हैं वहां के वहीं रहते हैं कुछ नहीं होता। यम नियम के बिना कुछ नहीं होगा। अहिंसा सत्य अस्तय इत्यादि का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये सब करने पड़ेंगे। सर महाराज जी कैन यू सम ऑफ द थिंग लाइक जेम नियम को कंट्रोल ऑफ माइंड एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस दिस टू थिंग्स आर ऑल राइट एंड इट इज नॉट सो सिंपलीफाइड एज दैट। ओके ओके महाराज जी यम नियम है यम जो है ना फाइव फंडामेंटल वैल्यूज आर देयर इट इज नॉट कंट्रोल ऑफ माइंड और सेंसेस दे आर फंडामेंटल वैल्यूज। अहिंसा तो अहिंसा क्या शरीर और मन के कंट्रोल की बात होती है क्या? अहिंसा सत्य कितना महान है ये चीजें। अपरिग्रह जिसको कंट्रोल उसको क्लासिफाई करने का या कैटेगराइज करने का प्रश्न नहीं करो। ये पांच जो है फंडामेंटल वैल्यूज है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य दे मस्ट बी लिव्ड। But this is, yeah, yes, Maharaj, unknowingly, when we have fight with somebody or I have hurt somebody or I am not speaking the truth, automatically that meditation gets affected. So we avoid it, but unknowingly we do it. Knowingly, you practice kariye ahinsa. Okay, Maharaj, pranam, Maharaj. There is no point of discussion. Pranam, Maharaj. My next question, as a matter of fact, in spiritual life, we cannot have enough of purity, enough of strength, and enough of peace. इसका मतलब यह है कि इसका हिंदी अनुवाद जो है उसके है इसकी प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है यह मतलब। जी पवित्रता इत्यादि जो है इसकी प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है। नो लिमिट। जैसे पैसा कमाते हैं तो मानते हैं कोई लिमिट नहीं है लाख करोड़ नहीं अरब रुपया कमाएंगे ये तो सब समझते हैं आप अच्छी तरह समझते हो जी। इसी प्रकार से पवित्रता दया क्षमा अहिंसा इनकी कोई लिमिट नहीं है। यस समझ गए तो समझ गए महाराज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मेरा पांचवा क्वेश्चन रितु जी ने क्लियर कर दिया है उन्होंने भी यही सवाल पूछा था। वी वांट दैट सेंसेस टू बी डायरेक्टेड इन वर्स सो दैट देयर कम्स इन अ टाइम ऑफ लाइफ द स्पिरिचुअल सीकर व्हेन इट कम्स टू डेवलप न्यू आईज फॉर सीइंग। ये सवाल का जवाब आपने दे दिया। ओके हाँ यस नाउ माय सिक्स्थ इज द टेम्पल ऑफ डिवाइन। ये जो हृदय हृदय की कल्पना की है जैसे एक कल्पना उसकी की है ना रथ की ना कल्पना। हाँ बराबर रथ की चल शरीर को रथ बनाया इंद्रियों को घोड़े बनाए बुद्धि को लघु सारथी बनाया उसी प्रकार ये शरीर जो है ये बाहरी टेम्पल है। ये शरीर जो है ये बाहर का मंदिर का बाहर का पोर्शन है। हृदय जो है वो गर्भ मंदिर है जी और इसके अंदर भगवान को बिठाया। yes. तो ये एक इमेजिनेशन है इसमें
टेम्पल ऑफ डिवाइन यानी हमारा हृदय जो है मंदिर है, सबसे बढ़िया मंदिर। तो बाहर मन भगवान को मंदिर को बिछा दिया और दरबार रोज सुबह गए के 5-10 मिनट जाके उसे फूल चढ़ा दिया, माथा टेक दिया और चले आए, ऐसा नहीं। आपका हृदय में मंदिर है, भगवान बैठे हुए हैं, अब सावधान रहिए कि उसमें कोई मंदिर जो हृदय जो आपका वो गंदा नहीं होवे, मैं बुरे विचार नहीं आवे, तो भगवान की अच्छी पूजा होगी। नहीं तो हमारा हृदय यदि गंदा होगा तो मंदिर जो है वो गंदा हो जाएगा, जिसमें भगवान को आप कैसे बिठाएंगे। अच्छे भगवान को अच्छे मंदिर में बिठाते हैं, हृदय को बिल्कुल पवित्र रखना पड़ेगा, तब भगवान उसमें आसानी से सदा हमेशा प्रतिष्ठित है। बहुत सुंदर चीज है, सदा याद रखिए कि भगवान आपके हृदय में विद्यमान है। जी बहुत बहुत बढ़िया जी महाराज जी, बहुत सही। He then becomes guru, of whom he becomes guru. महाराज तो ये भी सवाल था, गुरु का आपने क्लियर कर दिया है। वो भगवान जो है वो गुरु हो जाते हैं, आपके गुरु हो जाते हैं, आपके गुरु हो जाते हैं भगवान। वो सेंटेंस आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि जैसे साधना करते करते भगवान जो है वो गुरु हो जाते हैं, आपके खुद के गुरु हो जाते हैं, उसके नहीं। और जी यस, ये है द सटल बॉडी अगेन इज इंटर पेनिट्रेटेड एंड परमिटेड बाय द जीवात्मा एंड द जीवात्मा इज पार्ट ऑफ द परमात्मा एंड एज वी सक्सीड इन मेकिंग द बॉडी द सटल बॉडी द सेंसेस एंड द माइंड हार्मोनियस वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन लाइफ दैट शाइंस विद इन अस So we enter the sanctuary of the heart, find that the heart is filled with the light of the Atman, and that is the light is a part of the Paramatma. Yes. हाँ तो जो हमारे हृदय में जो हमारे हमारा जो अहंकार हमारी जो हमारे हृदय में जो प्रकाश है याद रखो हमारी आत्मा है कि नहीं है, हमारी आत्मा है ना जी, वो आत्मा देह से अलग है, मन से अलग है, बिल्कुल ईगो से अलग, सबसे अलग है ये आत्मा जो है। जब अलग है तो वह प्रकाश स्वरूप है जी, ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है ये भगवान का अंग है, इज ए पार्ट ऑफ गॉड। यस, गॉड जो है वह बहुत प्रकाश स्वरूप है, हमारा छोटा प्रकाश है हमारी आत्मा का, इज ए पार्ट ऑफ गॉड। यस, ओके, राइट महाराज, वेरी राइट जी। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज Once we are detected in the senses and the mind, that what type of the little ego remains? जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाती है महाराज तो फिर ईगो रहा कहाँ? हाँ क्या क्या है? हाँ ईगो भगवान का। ओके, जब ये तीनों ईगो हटा के भगवान के प्रति ईगो हमने लाना है। अरे हाँ हाँ हाँ। ओके जी जी जी। अब वो हैप्पीनेस और अनहैप्पी से थोड़ा पढ़िए पढ़िए सवाल में पढ़ता हूँ जी। ये as has already been said, the purity that we attain through the practice of morals is not enough. We want a higher type of purity. The purity that enables the soul to detach itself not only from the body, the senses, and the mind, but also from the little ego, the last bondage that the soul has to overcome. And this is possible only in the higher type of worship or meditation we have described above. Yes. ये तो हो गया, तो ये प्रश्न हाँ तो हो गया जी, नहीं नहीं इसके बाद वाला। ओके नेक्स्ट सवाल है, बिहोल्ड द सेल्फ इन ऑल बीइंग्स एंड द बीइंग्स इन द सेल्फ, ये भी हो गया मेरा सर्व। चलो हाँ, आगे लास्ट दो हैं। हाँ लास्ट दो मेरे हैं। हाँ। महाराज ये है, ए मैन हु इज बोर्न ऑन दिस अर्थ हैज टू स्ट्रगल इन द क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस विच इज नेवर परमानेंट एंड एट द सेम टाइम ही हैज अ फियर ऑफ डेथ
which is certain, but the time is not certain. In such a case, how to live? On the one hand, we talk of the complete drama of God, and he has to struggle for happiness and fear of death. जब ये पूरा ईश्वर का ड्रामा है, दिलीप भाई बोल रहे हैं कि संसार के सभी लोग दो चीजों के बीच में फंसे हुए हैं, एक है सुख चाहते हैं और दूसरा मृत्यु का भय लगा रहता है, इससे इससे निकलना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? यही तो प्रश्न है आपका। हाँ, यही प्रश्न। सारा जीवन जो है वो सुख की इच्छा और मृत्यु के भय, इसके सारा जीवन निकल जाता है ना, न सुख मिलता है न मृत्यु से बचते हैं, है ना? यही बात है ना, और मृत्यु का डर लगा रहता है। हाँ, वो मृत्यु का डर सारा जीवन लगा रहता है और भय सुख भी नहीं मिलता है जैसा चाहते हैं वैसा। तो ये ईश्वर का कौन सा ये ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामे के पीछे का जो सीन है ना, वो ड्रामे का पीछे का सीन ये है कि हमारी आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद आनंद घन है, और वो मृत्यु नहीं, मरती नहीं है। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी जान लिया तो मृत्यु का भय नहीं होगा और आनंद में भरपूर रहेंगे, उसके बाद में किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, नाम यश की इच्छा नहीं होगी, खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, मस्ती ही मस्ती रहेगी जी। और मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु मैं तो मरने ही वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, संदित्य शुद्ध बुद्ध अमर हूँ, अजर अमर हूँ मैं, मेरा स्वरूप ही अमर अजर है मैं। अरे ये देह मरेगा, देह से मेरे को क्या लेने देना? यस। और आनंद, आनंद, अरे आनंद तो उस दिन रात आनंद ही आनंद है, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। यानी आनंद जो बाहर का आनंद है, मिठाई का आनंद है, नाम यश का आनंद है, ये तो विषय का आनंद है, बाहर की चीजों का, मैं तो आनंद घन हूँ, डेंस कंडेंस्ड आनंद हूँ जी। तो ये छोटे मोटे आनंद की बात कहाँ उठती है, मृत्यु की बात कहाँ उठती है भाई? महाराज जी, मेरा एक छोटा प्रश्न है इस सिलसिले में, कि दैट व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम रीचिंग टू दैट आनंद? लेकिन सब लोग बताते हैं कि आनंद स्वरूप है, बताते हैं कि नहीं? हमारे सारे शास्त्र यही बताते हैं कि हम आनंद स्वरूप। तो माया का रोल, जिनको माया का रोल मुझे पहुंचने नहीं देता है ना, माया का रोल जो है हमें पहुंचने नहीं देता है। नहीं, हम चाहते नहीं है, चाहते नहीं है भैया। ये बात एक्चुअली ये है, हम नहीं चाहते हैं। वहां सामने लड्डू आ गया तो हम खा लिया, बड़ा मच्छर लगा हमको, माया पहुंचने देती है कि हम माया, माया को आप एक नजर दिखा दो तो भाग जाएगी वो। वो तो इल्यूजन है, मन का ही इल्यूजन है। थैंक यू महाराज। यानी बहाना बनाना बहुत आसान है कि ये माया के कारण होता है, लेकिन हम चाहते नहीं है। वो संसार में बड़े मजे से फंसे हुए हैं और आनंद और कर रहे हैं, सब प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये माया माया माया। शास्त्रों ने कह दिया, अच्छा ठीक है माया, क्या करें, ये लोग समझते ही नहीं, तो कह रहे माया है। जी भाई, आखिरी एक प्रश्न है आपका। जी, मेरा एक और है। ज्ञानी को भी मृत्यु के समय भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने भी भक्ति का सहारा लिया था। तो भक्ति का सहारा लेना जीवन में ज्यादा आवश्यक है, ये मेरा सोच है। देखो भाई, ये भक्ति का सहारे की बात नहीं है जी। ये आपने जो प्रश्न किया ना, आप जो शब्द उपयोग किया ना, भक्ति का सहारा, हाँ ऐसी बात नहीं है जी। यानी अगर मेरे को मिठाई मिल जाती है मरने के समय, तो मैं क्यों नहीं लूं जी? तो जी, ये क्या मिठाई का सहारा लेना हुआ? ये प्रश्न आपने जो किया ना, कि इसमें सहारा शब्द जो है ना, उसमें बहुत बड़ा मेरा करो वो है, ऑब्जेक्शन है। ओके जी, तो सहारे की बात नहीं है जी।
जो ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी भी होते हैं, वो भी भक्ति का आनंद लेते हैं। जी जी जी, वो भगवान का आनंद लेना चाहते हैं परम ज्ञानी होने के बाद भी। वो ऐसा नहीं है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है जी। ये बात जी। बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, जरा सोचो इस चीज को। बराबर, बहुत चीज पूरी बदल गई उसमें। आप एक में आप भक्ति और ज्ञान को झगड़ा करा देते हो। हाँ, है ना, कि भक्ति जो है वो ज्ञान से सुपीरियर करा देते हो। हाँ, जी जी जी, झगड़ा करा देते हो दोनों में। और यहाँ पे है भक्ति और ज्ञान परम मित्र हैं। बराबर जी, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, याद रखो। जी महाराज जी, समझ गए जी? जी समझ गया। चलो प्रणाम। अब सतीश। हाँ, first, my first question is, what is the concept of salvation or mukti, moksha in the Sankhya philosophy? Kya hai? Sankhya philosophy. Okay, okay. Aur Sankhya mein moksha aur kiska? Sankhya mein moksha aur sadhana ka kya avsar hai? Dekho, Sankhya ka arth kya hai? Sankhya philosophy mein do basic principles hain, prakriti aur purush. Jo purush hai, wo hai प्योर कॉन्शियसनेस, वो है आत्मा। आत्मा जिसे आप कहो, नाम कहना चाहो, लेकिन जिसे कॉन्शियसनेस कहा, जीव कहा, वो भी कहा, तो बहुत सारे जीव हैं, असंख्य जीव हैं, याद रखो, बहुत सारे जीव हैं। और दूसरा उसके साथ में ये है कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष जितने हैं, इनमें कोई शक्ति नहीं है। वे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शक्ति कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति जो है वो जड़ है, लेकिन उसमें बहुत सारा पावर है। और इसका एग्जांपल मैं देता हूं, एक इंजन है, एक 1000 हॉर्स पावर का इंजन होता है ना, 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, वो जड़ है, चल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर एक आदमी को बिठा दो, एक छोटा सा इंजन ड्राइवर, उसमें तो हार्स पावर, एक आधा हार्स पावर भी पावर नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसने बटन दबाया कि इंजन चल दिया। अपना सारा काम चलना चालू कर दिया, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय बंधन सारा करने लग गया। अब उसके अंदर जी साधना क्या है, विचार के द्वारा हम बंध गए हैं, हम प्रकृति के साथ युक्त हो गए हैं, विचार के द्वारा उसको हटाना। वो ड्राइवर अंदर बैठ गया है, अब समझ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो इंजन के बिना नहीं रह सकता। उसको कहा, अरे भाई आ जाओ तुम बाहर, कुछ नहीं। तो जीव जो है, जो सोल है, उसको विचार के द्वारा अलग कर लेना, ये विचार की प्रोसेस जो है वो साधना है, और ये जो अलग हुए ये मोक्ष हो गया, खत्म। ओके, वेदांत में कहा ना, वेदांत में क्या है, ये तुम्हारा प्रश्न है क्या? नहीं, मेरा है। हाँ, उसने, दूसरे ने ये प्रश्न किया है कि वेदांत में क्या है। तो वेदांत में प्रकृति जो है मिथ्या, प्रकृति को जो कहा माया, गुणात्मक माया, जीव एक, ये असंख्य जीव भी नहीं है। और जब मुक्ति होती है तो ब्रह्म से साथ में एक हो गया है, जीव मुक्त हो जाता है, वो प्रकृति माया सब गायब हो जाती है, मिथ्या होके सब गायब। सो ये डिफरेंस है वेदांत और सांख्य में। ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी सी है दोनों में। नहीं, दोनों एक साथ अलग है, अलग है, लेकिन वो प्रकृति को हटाना वो सेम चीज हो गया ना हमारा। नहीं, विचार की प्रोसेस तो दोनों की है, लेकिन एक में क्या है कि आत्मा, केवल एक आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म रहता है, और
अपने उसमें सांख्य में जो है वो सब एक जीव अलग से मुक्त होता है। अलग 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 महाराज स्वामी परमेश्वर सेट पेज नंबर पेज 310 द क्रेविंग्स ऑफ द माइंड आर मियर ड्रीम्स see them as unreal they can never attach themselves to the mind how is it possible kyunki jo hamare mind mein jo cravings hoti hain wo mar color kar deti hai hamare mind ko the color of our mind so how is it possible that the cravings of the mind they imagine cannot attach themselves to the mind ek minute thehro kya kaha tumne cravings of the mind तो क्रेविंग्स ऑफ द माइंड जो है वो कहते हैं कि उसको तुम देखो यानी इट इज अ टेक्निक बाय विच अपने क्रेविंग माइंड को हटा लेना उसको पैराग्राफ जो है उसको फिर से केयरफुली पढ़ना ये क्रेविंग्स जो माइंड जो है इनको मिथ्या समझो अगर समझेंगे मिथ्या समझेंगे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे जैसे रेगिस्तान में पानी देख रहे हैं पता चल गया कि पानी नहीं है तो हम उसके पानी के पीछे नहीं जाएंगे उसी प्रकार से अगर हम यह समझ लें कि यह जो क्रेविंग्स ऑफ द माइंड है यह मिथ्या है तो हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे उनके पीछे नहीं समझे इज दैट ओके आगे पूछ महाराज जी क्वेश्चन तो वैसे बहुत बार उसका जवाब दे चुके हैं आप sometimes one has to struggle with mind to do japa at other times it becomes monotonous कभी तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जप और ध्यान के लिए और कभी कभी जब अच्छा लगता है फिर मोनोटोनस हो जाता है मोनोटोनस ऐसा है कि एक यू नो ये होता क्या है कि हम लोग एक थोड़ा सा रूटीन को अच्छा करो बैठने के पहले कुछ पढ़ लिया करो उसके पहले संसार में मन मत लगाया करो ये ऑलरेडी दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं विचार भी नहीं आते चल रहा है लेकिन मोनोटोनस उसमें कोई नंद सा नहीं आ रहा जैसे मतलब कि वो ऐसा हो जाता है विचार भी नहीं चल रहा वो तो होगा कई बार देखो देखो बताए हम भगवान को प्रेम नहीं है इसलिए मोनोटोनस हो जाता है बच्चा गोद में हो तो कुछ कभी भी मोनोटोनस नहीं होगा बच्चा रोता हुआ भी मोनोटोनस नहीं होगा अपना पुत्र होगा तो भगवान को प्यार नहीं करते इसलिए मोनोटोनस हो जाता है yes. करना पड़ता है ध्यान जप के लिए बैठना पड़ता है जबरदस्ती बैठना पड़ता है मोनोटोनस हो रहा है क्या करें अच्छा नहीं लग रहा है इसी तरह भगवान का भजन नाम जब किसी तरह खत्म कर लिया ऐसा नहीं बाबा भगवान से प्रेम नहीं है इसलिए ये सारी चीजें ऑल द क्वेश्चंस आर बिकॉज वी डोंट लव गॉड यस हो गया स्ट्रगल का भी कुछ है क्या क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है वो तो आप दे चुके हैं कई बार जवाब दे चुके हैं कि हम इसको कुछ पढ़ना चाहिए पहले शुरू में यानी ये है कि वो को तो आपने जो आज बताया महाराज संसार में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा यानी आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ब्रह्मानंद जी कहते हैं यतीश्वरानंद जी कहते हैं स्ट्रगल 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 बिना स्ट्रगल के साधना नहीं होती चलो से मन हटाना पड़ेगा हाँ अच्छा चंदन तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया कुंडू महाराज कुंडू जी को 10 बजे जाना था कहीं तो वो अच्छा, बोले हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर भी हो गया है और अच्छा, और इसलिए उनको कुछ जरूरी था ठीक है शिवानी जी महाराज प्रणाम हाँ तुम्हारे क्वेश्चन जो हैं वो तो एनीवे हाँ बोलो हाँ व्हाट आर द साइंस इफ अ पर्सन इज एनलाइटेंड वो गीता में देखोगे नहीं चित्त प्रज्ञा हाँ जी
स्थित प्रज्ञा दर्शन श्रेष्ठ भक्त वो सब मिल जाएगा। हाँ, नहीं, उसमें नहीं, जैसे आजकल के टाइम में, आजकल के आर्टिकल में 232-23 पेज में, हाँ जी, वो ये क्लियरली लिखा है महाराज ने, केवल एक चीज लिखी है, एनलाइटेंड इल्यूमिनेटेड सोल जो है वो सीज गॉड इन एवरीवन एंड सर्विस इज स्पॉन्टेनियस इन हिम। उसको रीड करना फिर से अच्छी तरह, और नहीं तो फिर गीता में सारा तुमको मिल जाएगा। ठीक है महाराज। सो दिस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लोगों के लिए है कि जो एनलाइटेंड सोल है, शुद्ध मुक्त पुरुष जो है, वो उसका लक्षण क्या है? पहला, वो भगवान को सर्वत्र देखता है, और दूसरा, वो लोगों की सर्विस, स्वाभाविक रूप से वो लोगों की सर्विस। सेकंड, हाउ हेल्थ कैन बी इंप्रूव्ड विद मेडिटेशन एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल। यतीश्वरानंद जी कहते हैं, उनका एक शिष्य था, बीमार था, उन्होंने जाके कहा कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा। जब बीमार थे उसी के ऐसी स्थिति में उसके घर पे गए और उसको दीक्षा दे दी। एक महीने बाद बिल्कुल हल्का चंगा होके वो आ गया कि महाराज दीक्षा के बाद मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया। यतीश्वरन जी कहते हैं, यस, बाय मेडिटेशन बाय जप हेल्थ आल्सो इंप्रूव्स। सारे शरीर में रिदम आ जाती है, मन जो है वो शांत हो जाता है, भगवान के चिंतन का प्रभाव सारे शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी नहीं, शरीर पर ही पड़ता है। Okay. Today, Maharaji, science also says there is a lot of importance in meditation. That's why. Yes. True. Yeah. That is true. Third. Maharaj, next question is: if we are a small ray of pure light of a supreme being, then why we are not naturally attracted towards meditation and japa? क्या बोला? क्या question है तुम्हारा? If we are small ray of pure light. Of a supreme being, then why we are not naturally attracted towards the meditation and japa? Yes. एक मिनट। उसको फिर आगे पढ़ो तो, इतना ही पढ़ा, उसके आगे लिखा है, read next paragraph also. We are not hungry. जैसे हम नेचुरली, हमें भूख लगती है या बाकी सब चीजें हैं, तो नेचुरली हम लोग क्यों नहीं जाते स्पिरिचुअलिटी की तरफ? महाराज यतीश्वरानी जी कहते हैं कि वी आर लेजी, उसके आगे पढ़ो, कि भूखे हैं तो भी लेजी है, खाना नहीं बनाएंगे, सामान सब पड़ी हुई पड़ा हुआ है, भी नहीं बनाएंगे। ऐसे भी लोग हैं ना, हम लोग ऐसे ही हैं। पर उसमें पहली बात है कि स्पिरिचुअली हंग्री नहीं है, स्पिरिचुअल लाइट होने से क्या होता है? लाइट हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअल हंगर। लाइट हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअल हंगर। नहीं, मुझे ये पूछना था, पापी है उसमें भी तो भगवान है, संत लोग पापी में भगवान को देखते हैं, तो उससे क्या होता? नहीं, इट्स अगर नहीं है और वी आर लेजी, तो वो डोंट ब्लेम द लाइट। वो बिचारी लाइट क्या करेगी, दबी हुई है, आपने उसके ऊपर इतने सारे ढक्कन डाल दिए हैं, एक के बाद एक इतने सारे ढक्कन डाल दिए, बिचारी लाइट क्या करेगी अंदर? फिर ठीक है महाराज। महाराज, एक लाइन मेरे को पढ़ने में आया कि आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, चौथा क्वेश्चन और भी है ना? बस इतना ही था, तीन ही है। ओके। अच्छा, थैंक यू महाराज। अच्छा, अब सतीश भी हो गया, रीता जी,
Pranam Swamiji. Swamiji, all my doubts have been answered. Okay. It is very nicely answered, Swamiji. Okay. Nivedita, you are also answered. पहला तो क्वेश्चन आंसर हो गया महाराज, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि आर्टिकल में लिखा है बीच बीच में हम जब बैठते हैं शांत होकर तो मेडिटेशन और जप करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि संसार में जैसे व्हेन वी सिट क्वाइटली आवर माइंड गोस फॉर साइलेंट जपा ऑटोमेटिकली, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा तो माइंड वहां से हट जाता है, फिर बहुत गैप हो जाता है और फिर हम ये करते हैं, तो उसको कैसे ठीक करना है? अरे भाई जवाब मैंने दे दिया, वो दवा ये है कि भगवान को प्यार नहीं करते, डोंट हैव लव फॉर गॉड। और लव यदि भगवान में प्रेम होगा ना तो प्रश्न नहीं उठेगा ये। हाँ जी, जब जो है ये मैकेनिकल हो जाए, मोनोटोनी हो जाती है, अरे जब करना है इसलिए करना है, ये क्या, वो तो होगा ही, थोड़ी देर में होगा फिर सारा दिन गायब हो जाएगा। संसार को इतना प्यार करते हैं ना, तो जिस चीज को प्यार करेंगे वो सारा मन को खींच लेगी, आके कैसे होगा। और इसके लिए कहते हैं कि बाद में बाबा संसार, ठाकुर बोलते हैं संसार में घुसने के पहले मक्खन बन जाओ। yes. आ, संसार में फंस गए अब कुछ नहीं होगा। दूसरी है आंखें खोल कर, ऐसे यदि हुआ तो आंखें खोल कर ही आधे घंटे तक जब ठाकुर को देखो, सुन रहे तो हाँ, वो करो उसे मत करो, आंखें खोल कर देखते रहो। तीसरा, जब भी करना है तो मन ही मन जब को सुनो, ये टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है इस आर्टिकल में लिखा है महाराज ने कि वी हैव टू do japa little longer, so I want to ask for how much time we should meditate and japa। individual question है। किसी कुछ आदमी के लिए आधा घंटा कहता है, 5 मिनट जप करना और आगे करो 45 मिनट करो, अरे बाबा क्यों 40 मिनट करना पड़ेगा, तो वो आधा 15 मिनट जगह भगा जब बढ़ाने में भी उसकी जान निकल जाती है। तो ये पता लगाओ खुद कितनी बार करना कर सकते हो। ठीक है, और एक प्रश्न है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर ईगो इज परवर्स, वो आर्टिकल में है ना। ईगो इज परवर्स, हाँ वो आर्टिकल का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, वो खुद पढ़ते नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है और प्रश्न कर रहे हैं, वही जवाब है। ठीक है, we consider ourselves too important। हाँ। वही पढ़ो, सारा अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, बात हाँ। बाकी उस पांचवा भी है, पांचवा भी तो आपने आंसर दे दिया है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, प्रणाम। अब कौन बचा, सतीश हो गया, दिलीप भाई हो गए, सपना भी हो गया, शिवानी हो गया, कुबेर मजूमदार हो गया, कोई बचा नहीं, देवाशीष भी तो हो गए। ओके, करीब करीब महाराज जी एक क्वेश्चन, महाराज जी मैंने एक एक सब सब क्वेश्चन का जवाब तो आपने दे ही दिया है। नाउ क्वेश्चन वन द एक था द पेज 308, वी ऑफर द फ्रूट्स ऑफ आवर वर्क टू द सुप्रीम स्पिरिट बट इट सीम्स टू बी मैकेनिकल, आर देयर एनी फीलिंग्स अटैच्ड टू दिस, one should get the feelings that the Lord is accepting the fruits of my action, then the devotees and feelings। ये तो individual है। अच्छा जी, मैंने जैसा कहा, ठीक है, we don't love God। वो एक बच्चे को कहा था, एक कहानी है ना, भोग लगा देना, तो वो गया तो भगवान को कहा खाओ खाओ देर हो रही है, उसके बाद भगवान आ गए और खा गए, मालूम है ना वो कहानी। एक तो यह है कि वी आर नॉट सिंपल एंड वी डोंट कंसिडर दैट गॉड इज रियल एंड ही इज एक्सेप्टिंग द भोग, एंड व्याकुलता नहीं है, ये तो मैकेनिकल, सारी काम मैकेनिकल होते जाते हैं।
अभी किसी ने बोला ना कि सुबह थोड़ा सा जप किया और उसके बाद में मन गायब हो गया और उसके बाद सारा दिन मन इधर उधर गायब ही रहता है। तो संसार वर्ल्ड इज सो रियल टू अस, भगवान अनरियल हो गए हैं तब क्या करेंगे बाबा। ये जो है डिस्कशन होता है इसको अब ट्राई टू अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्लान करना है। यू हैव टू प्लान योर सेल्फ हाउ टू यू इंटेंसिफाई योर लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो वैसा के वैसा होगा, क्वेश्चन ये आंसर संडे को क्लास चलती रहेगी और बाकी सब जैसा है वैसा कैसा। महाराज जी अनदर थिंग, वी ट्राई टू डू वर्क टू प्लीज द लॉर्ड, बट दैट देयर कम्स द फियर एंड डाउट दैट ऑल माय वर्क मे नॉट बी करेक्ट टू प्लीज द लॉर्ड। समटाइम्स वी फॉल प्रे ऑफ लास्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, प्राइड, इगोटिज्म। इफ इट इज सो, द लॉर्ड विल बिकम एंग्री एंड आई विल बी इन ट्रबल, देन द रेस्टलेसनेस कम्स। दैट मीन आई ऑफर माय फ्रूट्स ऑफ ऑल माय एक्शंस टू द लॉर्ड, देयर कुड बी ऑल दिस things coming, no, lust, anger, greed, jealousy, pride, egotism, and that is not to be offered to the Lord. इसीलिए बाबा offer भगवान को नहीं, offer करने का बहुत condition है। जैसे अगर आप प्रसाद भी देना है ना, तो पुजारी को बहुत सावधान रहना पड़ता है, उसके ऊपर नाक से फूंक नहीं आ जावे, मुंह से फूंक नहीं आ जावे, कोई अपवित्र चीज नहीं छू जावे, जो थाली है उसको साफ होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें होती हैं। तो भाई ये बात तो ठीक है कि हम जो भी भगवान को ऑफर करें वो पवित्र करें, और इसलिए हमारी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्योरिफाई अवर सेल्फ। अभी हमारी सिचुएशन ही नहीं है ऐसी कि हम भगवान को अपने को अमर समर्पित कर सकते हैं। Thank you, Maharaj. Raji, last one is that how to get connected with the cosmic ego, cosmic mind. अबे discuss हो गया था सारा। Is there anything like when you have the special events like? No, not special event. No. अच्छा. Any time, any day. नहीं नहीं वो तो अब ये इधर प्रोसेस है, पूरी साधना जिसको हमने डिस्कस किया आज के प्रोग्राम में, सारी साधना चार पांच पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। वो ईगो को कॉस्मिक विल में डालने की बात सारी डिस्कस हुई। हाँ हाँ, ये हैव डिस्कस्ड। यस यस महाराज, यस, ओके, थैंक यू महाराज। प्रणाम प्रणाम भाई। अब ऐसा है कि अब मैंने पहले शुरू में बीच में डिस्कस कर लिया था, ये क्लासेस हो रही हैं, ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भाई इंटेंसिफाई कर लिए अपनी साधना को। केवल एक संडे के दिन एक दिन होना नहीं है, उसको इंटेंसिफाई कीजिए। कैसे करें ये इंडिविजुअली आप लोगों पर निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू महाराज, थैंक यू, प्रणाम महाराज। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम राम कृष्ण अर्पणमस्तु।